जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट। देखिए, हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, जिस परिवार में सबको बराबर सम्मान मिलेगा वो परिवार टूटेगा नहीं। मेरी नजर में कई ऐसे परिवार हैं अभी जो तीन तीन चार चार पीढ़ियों से इकट्ठे रहते, भाई दादा परदादा मिलजुल के बात करते, काम करते, क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न बना लिया भी सबकी सुनो, सबको अपॉर्चुनिटी दो, किसी को जरूरत हो एक दूसरे की मदद करो। यही चीज जाट और सरकार के बीच होती है, यही चीज जाट और सरकार के बीच होती है। अब समस्या क्या है, जब इलेक्शन होते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, इलेक्शनों में रैली करनी है तो जाटों को बुलाते हैं, आओ भाई पैसा खर्च करो भाई, सब कुछ करो भाई। लेकिन जब सरकार सत्ता में आ जाती है तो उन जाटों को ना तो कोई पद देना, ना उनको सम्मान देना, फिर तो उनको मिलने के लिए भी अखबार उठाते हैं, फिर वो जाट अपना अपमान महसूस करते हैं, वो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। यही मेन वजह है कि जाटों की सरकार में कम बनती, जो सरकार सम्मान देती वहां तो फिर भी जाट आराम से अकोमोडेट करते हैं, लेकिन जब सम्मान नहीं मिलता तो वहां जाट रिवोल्ट करते हैं। जाट लगभग 130 से 40 सांसद की सीटों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर करते हैं, लेकिन उनको अपनी एकता की पहचान नहीं है। बटे हैं, तू भागड़ी है, तू फला है, तू यूपी का, तू पारवा है, तू खादर का है, लेकिन एक नहीं है। जिस दिन तक तुम एक नहीं होगे उस दिन तक तुम्हारा यही हाल रहेगा। जाट और सरकार, इस वीडियो का नाम मैंने इसलिए दिया है, जब तुम एकता दिखाओगे सरकार तुम्हारी सुनेगी। अब मर्जी तुम्हारी भाई बहनों, जब थोड़ा दिल करे एकता दिखा देना, जब ना करे। इसका सबसे उदाहरण हमारे सामने राजस्थान है। बहुमत में कौन, वोट किसकी चाहिए, पैसा किसका लगाना इलेक्शन में, रैलियां किससे करानी है, जाटों से करानी है, ट्रैक्टर किसके मंगवाने हैं, जाटों के मंगवाने। लेकिन जब इलेक्शन आता है 5-10 टिकटें दे दी जाटों को, इलेक्शन जीत भी जाते हैं, जाट भाई खुश होकर वोट देते हैं। अब आया सत्ता का टाइम, सीएम नहीं बनाएंगे जी, सीएम नहीं बनाएंगे, मात्र 5% जो है वो सीएम बनते, जो राजपूत है 5% उन्हीं में से सीएम बनाया जाता है भाइयों, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हमारे जाट भाइयों ने 70-80 साल में एक बार भी नहीं सोचा, जितने विधायक है राजस्थान के, कि इकट्ठे होके जब किसी भी आलोचना करें या ये कहें नहीं भाई हम तो जो मर्जी पार्टी हम जाट भाई को वोट देंगे, यार मैं जाट को आके ले जाए अंदर इकट्ठे, ना 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 ऐसा काम करते नहीं जाट भाई, क्योंकि आपस में एक दूसरे बने नहीं। और जब तक हम आपस में से लड़ते रहेंगे आप कभी भी इस प्रकार सीएम नहीं दे पाएंगे, सत्ता का भोग नहीं कर पाएंगे, अपना वैल्यू का सत्ता नहीं ले पाएंगे, सत्ता में साझा नहीं कर पाएंगे आप। तो आज समय आ गया है सत्ता में साझा होने के लिए, अपनी नौकरियां मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए आपको एक होना पड़ेगा, अपने आपके बच्चों को, आपके बच्चों के लिए आपको एक होना पड़ेगा, उनके भविष्य के लिए। जरा मेरी बात आप समझिए, सब एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, कोई बात हो जाए हम ही ऐसे जो लड़ रहे हैं आपस में। इसी के साथ जय जाट। अगर आपको भी है लोन की जरूरत, अगर आप भटक रहे हैं बैंक टू बैंक, करेगा हर चिंता को दूर पनावा कैपिटल फाइनेंस, 100% अप्रूवल, तो देर किस बात की, अभी कॉल करें 9999885350 पर।